नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ सबसे सस्ते और हर वैरायटी के फूलों की नर्सरी, जो है हल्द्वानी बाईपास रोड किच्छिया उत्तराखंड। ये भैया देखो, डहेलिया के फूल दिखा रहे हैं। सारे बसंत ऋतु में खिलने वाले फूल हैं जो अभी खिल गए हैं। दोस्तों यह नर्सरी मेन रोड के पास ही है, आप आते जाते समय कभी भी यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ये देखिए इनकी नर्सरी, बहुत सुंदर दुकान है, फूलों की दुकान है। यहाँ पर सारे ऐसा वाला, हाँ हाँ, ये बगैर के कली पे दे दूँ ना। तो ये दिया भैया ने डहेलिया, दो पौधे ऐसे हर कलर के हैं डहेलिया। दोस्तों इस नर्सरी में फूलों से लेके फलों तक के हर वैरायटी के पौधे यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये कैलेंडोला, ये कैलेंडोला है, इसका स्टेम फ्लावर बहुत सारा आता है और ज़्यादा मात्रा में खिलता रहता है, मार्च अप्रैल तक बढ़िया खिलता रहता है। इसमें ये 20 रुपीस के हैं, चार पांच इसमें से। हाँ, पांच इसमें से दे दो बेटा, अच्छे अच्छे और अलग। ये परमानेंट पौधे हैं, सीजनल नहीं। हमें नाम बताइए इसका। जैस्मिन। जैस्मिन ना? हाँ, जैस्मिन प्लांट है। और इसमें हल्दी पौधा है। इसमें पानी का, पानी तो गर्मियों में तो रोज देना है इसको, पानी ज्यादा चाहिए होता है, ठंडों में कम देना होता है। इसका नाम है जैस्मिन, जैस्मिन प्लांट। खिलता बहुत है जब अच्छे में है। काई में लगाना चाहिए, इसको पॉट में लगा। पॉट में डहेलिया के रेट तो सही लगाओ भैया, 30 रुपए के डहेलिया। देखिए बहुत प्यारे पौधे, और ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते यहाँ पर। तो भैया भाई, ये क्या गेंदा है? गेंदा का अब तो समय है नहीं। गेंदा, हाँ गेंदा है। इसको 12 इंची पॉट में एक चम्मच डाल सकते हैं। और ये कंपोस्ट है, कल्ले मारने के, फूल पत्तियां निकालने के लिए होता है। ये दाने वाला खाद आधा चम्मच पड़ता है एक पॉट में, और ये नीम खली एक चम्मच, इससे कीड़ा नहीं लगेगा, जड़ का ग्रोथ भी अच्छा होगा। ये तीन पैकेट अगर 20-20 दिन में अगर एक बार डालेंगे आप, पौधा पूरा भरा रहेगा फूलों से और गमलों से, पूरा पौधा पत्तियां भी देता रहेगा काफ़ी सारी। ये ज़्यादा महंगे नहीं है, ये तीनों पाउच आपको पड़ेंगे 200 रुपए के, और लमसम 70 गमलों के लिए हो जाएगा 12 इंची पाउच, क्वांटिटी भी बहुत सारी है। इसको एक्लोनीमा प्लांट है, ये बड़ा हेल्दी पौधा और बड़ा पौधा था, पिंक कलर के पत्ते आएंगे, इंडोर में भी लगा सकते हो। इंडोर रहता है या आउटडोर? इंडोर में लगा सकते हो, इंडोर आउटडोर दोनों में लगा सकते हो। वैसे इंडोर में लगा दो तब भी बहुत सुंदर चलता है बेटा। इनको ये प्रामुला है, ये भी नई वैरायटी है, ये प्रामुला बोलते हैं। अच्छा, हां नई वैरायटी वाला है, इसमें बड़े पैकेट में होगा, कलियां ज्यादा होंगी, पौधा हेल्दी होगा। भैया एक चीज शिकायत बताता हूँ मैं गुलाब पर, आप जो इसकी कलम करते हो ना, पौधा बनाते हो, बाद में जो अच्छा वाला गुलाब कलम वाला होता है वो तो उसकी ये एक तरीका होता है, जैसे कि हमने ये यहाँ से ग्राफ्टेड कर रखा है। हाँ, जैसे ये ग्राफ्टेड करा हुआ है, गांठ दिख रहा है। हाँ, यहाँ ग्राफ्टेड है, इससे जो नीचे टहनी आती है वो हटानी पड़ती है। अगर इससे ऊपर जो टहनियाँ गांठ से निकलेंगी या इन टहनियों में जो निकलेंगी वो ठीक है, अगर इससे नीचे नहीं तोड़ते हैं तो ये सूख जाता है, ये रुक जाता है, मेरा सूख गया है, फिर ये बीजू चल जाता है, बेल जैसा पड़ जाता है, फिर फ्लावर आना बंद हो जाता है। हाँ वही चला है मेरा भी, तो फ्लावर आना बंद हो जाता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा हमेशा। हाँ, फिर ये नहीं बताया ना हमको, ये हर नर्सरी में वैसे बताते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हर कस्टमर को बताते हैं। हाँ, मेरे तो ये गुलाब खराब हो गया ऐसे, नीचे से बीच बीच में खाद देना चाहिए पौधों को, उसको काट देना चाहिए जो नीचे वाला है, नीचे के जो कल्ले आएंगे वो हटाने चाहिए। और बाकी ये ग्राफ्टेड रोज में, हाइब्रिड वाला रोज में होता है, देसी में कुछ नहीं करना होता है, देसी तो कहीं से चले, लेकिन ये ग्राफ्ट से तैयार किया जाता है गुलाब, इसलिए इसमें ध्यान देना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता, ये देखो सारा फ्लावर खिलता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आप, अगर कभी भी गुलाब
नर्सरी से या दुकान से लेते हो नीचे कल्ले हटाने होंगे तो आपने. नीचे का वो कार्ड देना है कि जिस पर वो क्या रहता है नीचे कार्ड दिया तो फिर कैसे लगेगा ग्राफ से नीचे से. अरे ये वाला कार्ड दो ना ये निकलते हैं वो हटाने होंगे जो नीचे से जो कल्लियां निकलेंगे वो हटाने होंगे ग्राफ से नीचे. ग्राफ से निकलना चाहिए या ऊपर वाली टेनियों में से निकलना चाहिए कुछ नहीं करना है नीचे से जो कल्लियां निकलेंगी वो हटानी होंगी. ये इन्होंने एक बहुत भैया ने अच्छी जानकारी दी जिसे हमें अमल करना है. एक गुलाब लिया लेकिन गुलाब है सुंदर कलर लेकिन ये पूरा एरिका पाम आप आते हम ये देखिए डहेलिया बहुत सुंदर डहेलिया के फूल और ये गुलाब यहाँ पर अवेलेबल है बहुत सुंदर सुंदर गुलाब हैं. ये क्या है डेंटस ये डेंटस है और ये वाले कैसे मिले भैया 20 रुपीस का है बड़े ये दो. तो ये भैया ने बताया कि भीमताल में ये डेंटस बहुत उससे चल जाएंगे आराम से. गोल्डन वो गोल्डन सर्पर है ग्रीन सर्पर है. हां गेंदा तो सीजन गया ना सीजन अभी चलेगा 2 महीने और चलेगा गेंदा तो अब स्ट्रॉबेरी चलेगा गेंदा में दिखेंगे न्यू कैसे दे रहे हो देखिए अजेलिया कितने का है अब बताइए आप ये क्या गोल्डन मोर पंखी. ये गोल्डन मोर पंखी है इसमें ना बीज नहीं आता है वो घना होके चलता है. ये पौधा बहुत सुंदर सा बनता है. अच्छा कलर भी डार्क रहेगा इसका गोल्डन मोर पंखी. भैया अजीलिया बड़ा पौधा भी मिल जाएगा. नाम बताइए इसका क्या है. ये टेबल कामनी. टेबल काम नहीं टेबल के ऊपर रखने वाला. हाँ टेबल पे रख दो चाहे बाहर भी रख दो बॉल बन जाती है पूरे इंडोर बॉल बने इंडोर प्लांट में इंडोर आउटडोर दोनों में. ये अजेलिया प्लांट है ये 200 रुपए का. ये अजेलिया है इसका फ्लावर बहुत अजेलिया मेरे पास है डबल अजेलिया है ये सिंगल नहीं है. इसके अंदर एक अंदर एक फूल निकलता है इसका 200 कह रहे हो फिर 200 तो महंगा कह रहे हो. ये महंगी वैरायटी है इसका मैं आपको फ्लावर है बेटा इसकी अलग अलग वैरायटी है तभी तो मुझे अच्छी लगी ना. वो डबल वाला है एक के अंदर से एक फूल निकलता है. ये भैया बताएंगे आपका क्या है. रवि नर्सरी करके है. रवि नर्सरी करके इनकी दुकान है बाईपास रोड आदित्य चौक पे है ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने. अच्छा तो इनके पास हर वैरायटी के पौधे अवेलेबल हैं और जो भी पौधे हैं इनके पास अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं और कभी भी किसी को आना है तो यहाँ पर किच्छा बाईपास रोड है ना रोड पे आ सकते हैं और ले जा सकते हैं. अभी आप पौधों को आगे ना रख लूं अपनी गाड़ी में रखवा रहे हैं. ये देखिए दोस्तों तो मैं यही कहूँगा कि मैं तो हूँ प्रकृति प्रेमी और फूलों का शौकीन. जहाँ पर भी मुझे फूल संबंधी पौधे पेड़ फूलों के और गमले नज़र आते हैं मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ और ले भी अवश्य जाता हूँ. तो मैं आज मेरे को ये पॉट भी बहुत सुंदर लगे तो हमने आज ये काफ़ी ख़रीदारी कर ली है. यदि आपको हमारी आज की फूलों की दुकान में ख़रीदारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए. और आज कंचन भी खुश है काफ़ी पौधे ले लिए हैं और ये हमारे मालिक साहब हैं नर्सरी के. तो कभी भी हो आप यहाँ पर आइए यहाँ से ले जा सकते हैं आप ले जा सकते हैं. मोबाइल नंबर है 9634558502 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बहुत सुंदर नर्सरी.